राइट्स लिमिटेड का आईपीओ 20 से 22 जून के बीच आएगा और इसका प्राइस बैंड 180 से 185 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। आईपीओ के जरिए सरकार की 2,52,00,000 शेयर बेचने की तैयारी है। सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए आईपीओ ला रही है। कंपनी के चेयरमैन राजीव मेहरोत्रा का कहना है कि इशू से जुटाई गई रकम सरकार के पास जाएगी क्योंकि कंपनी में सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। ये सिर्फ 12% जो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो सरकार के पोर्शन में से किया जा रहा है, तो कंपनी को इसमें से कोई प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। और 0.6% एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो पैसा भी सरकार के पास जाएगा, बिकॉज अभी हमारा कंपनी का 100% जो ओनरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास है। अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर दोगुनी की जा सकती है। इसके लिए पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने सरकार को सिफारिशें भेजी हैं। साथ ही अटल पेंशन स्कीम में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। इसे लेकर पीएफआरडीए चेयरमैन हेमंत कॉन्ट्रैक्टर से खास बातचीत की मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी ने। एपीवाई को बढ़ावा देने के लिए हमने 2-3 सुझाव भेजे हैं सरकार से, और एक तो वो एज लिमिट जो है अभी 18 से 40 की है, जो उसको बढ़ा के 18 से 50 की जाए, ताकि यू नो ज़्यादा संख्या में लोग ज्वाइन कर सकें। और दूसरा सुझाव ये है कि अभी जो 5 पेंशन स्कीम है, मैक्सिमम 5,000 रुपया पेंशन की मैक्सिमम लिमिट है, उसको बढ़ा के 5,000 से 10,000 तक की जाए, सो दैट यू नो लोगों को थोड़ा ज़्यादा पेंशन मिले जब वो रिटायर 60 साल की उम्र तक पहुँचते। 10,000 का पेंशन मिले वो एक सुझाव। 5,000 रुपया काफ़ी उसके हिसाब से आज से 10 साल 20 साल के बाद काफ़ी कम है। कई लोगों को लगता है कि 5,000 20-25 साल के बाद बहुत कम पड़ सकता है, तो उस वजह से हमने ये सुझाव भेजा है कि 5 का 10 तक बढ़ाया जाए। जी, इसके अलावा जो ऑटो इनरोलमेंट का इशू है, काफ़ी दिनों से आप उसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन कब तक उसकी होने की उम्मीद है, क्योंकि वो एक इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपकी संख्या जो है कम हो रही है? नहीं, कम तो नहीं हो रही, बट ऑटो इनरोलमेंट से बढ़ावा जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑटो इनरोलमेंट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लोग कवर हो जाते हैं उसमें, अगर वो स्कीम में से मतलब निकलना चाहते हैं वो ऑप्शन भी उनके पास रहता है, बट जब तक वो मना नहीं करते तब तक वो लोग शामिल हो जाते हैं उसमें। तो वो एक स्कीम दूसरे कंट्रीज में मतलब अमल की गई है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है दूसरी कंट्रीज में।